Hello friends, welcome to the engineer sub. In the last lecture we have already discussed about the rheological behavior of the fluid. Okay, so in this lecture we will discuss about the surface tension and capillarity of the fluid. Okay, so before starting the video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest update. So let's start the video. तो हम लोग जानेंगे surface tension. Surface tension क्या होता है? Intensity of surface energy, intensity of surface energy per unit surface area at the interface is a property known as surface tension and it is denoted by sigma. ठीक है, ये हुआ definition. लेकिन definition को हम लोग समझते हैं कि इसमें सबसे important term हमारा आता है ये surface energy. ये surface energy होता क्या है? ठीक है, तो हम लोग आइए surface energy को जानते हैं. Surface energy होता क्या है कि जब भी लिक्विड बल्क अमाउंट में होता है, ठीक है, तो कोहेसन फोर्स की वजह से एक स्फेरिकल फील्ड डेवलप होता है. ठीक है, एक स्फेरिकल फील्ड जब डेवलप होता है और अगर इस कोहेसन फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम लोग कोई वर्क डन करते हैं, ठीक है, किस लिए वर्क डन करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को सरफेस इंटरफेस में लाने के लिए. ठीक है, तो अगर ये वर्क डन कोहेसन फोर्स के अगेंस्ट में होता है तो वो क्या एज ए पोटेंशियल वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है इंटरफेस में. तो इस वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी. ठीक है, और ये सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता किसके वजह से है? सिर्फ कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है. ठीक है, means the property of surface tension is due to the cohesive force between the liquid, between the fluid molecules or liquid molecules. ठीक है, हम ये किसके वजह से होता है? सिर्फ कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन होता है. तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस. सरफेस टेंशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से. ठीक है, क्या होता है? सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया. तो इसका यूनिट क्या हो गया? सरफेस एनर्जी का हो गया न्यूटन मीटर और सरफेस एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका यूनिट तो क्या हो गया? एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे देख सकते हैं. और डायमेंशन क्या हो गया? एम एल टू द पावर जीरो टी टू द पावर माइनस टू. ठीक है, ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है सरफेस टेंशन में. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होगा? अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ टी विल इंक्रीज देन सिग्मा विल डिक्रीज. ओके, ये क्यों होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके डिस्टेंस बढ़ जाता है जिसके कारण से ये सरफेस टेंशन डिक्रीज होने लगता है. ठीक है, तो हमारा हो गया सरफेस टेंशन. अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है कैपिलैरिटी. ठीक है, तो कैपिलैरिटी होता क्या है? कैपिलैरिटी राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड कॉलम थ्रू थिन एन्यूलर स्पेसेस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन कोहेसन एंड अधेसन इज नॉन एज कैपिलैरिटी. ठीक है, तो क्या होता है कि राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, दोनों में से राइज भी हो सकता है फॉल भी हो सकता है. मीन्स देखिए, हम लोग इस फिगर से समझते हैं कि होता क्या है. देखिए, हमारा ये लिक्विड है. ठीक है, लिक्विड का क्या है? स्पेसिफिक वेट गामा है, सरफेस टेंशन सिग्मा है. ठीक है, इसमें हम लोग एक वाटर कॉलम इंसर्ट किए, ये देखिए. ठीक है, जिसका डायमीटर डी है. ठीक है, इंसर्ट किए. तो इंसर्ट करने के बाद क्या है, ये हमारा लिक्विड इस कॉलम में ऊपर तक चल गया, यहाँ से यहाँ तक इस हाइट तक लिक्विड जो है ऊपर चला गया एच हाइट तक. ठीक है, तो ये जो राइज हुआ, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिलैरिटी. ठीक है, तो कैपिलैरिटी हम लोग निकालते कैसे हैं और कितना ये हाइट होता है कि किस लिक्विड के लिए कितना हाइट होगा वो हम लोग जानेंगे इस इक्वेशन से. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एच मेंशन किया हुआ है. एच क्या होता है? एच होता है कैपिलैरिटी राइज, ये यहाँ से एच. ठीक है, उसका क्या है, ये जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस. और ये जो एंगल फॉर्म करता है यहाँ से, ये इस लिक्विड कॉलम पे
और ये जो यहाँ से ये एंगल फॉर्म हो रहा है इसके बीच में ये जो फाई एंगल हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मेनिस्कस एंगल, और ये जो फोर्स इधर दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे टी, क्या टी फॉर ये जो टी होता है टेंसाइन टेंसाइल फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स क्या क्या हो गया, सरफेस टेंशन इनटू ये जो सर्कमफेरेंशियल लेंथ है, ठीक है, तो सिग्मा इनटू पाई इनटू डी ए सर्कमफेरेंशियल लेंथ हो गया, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है। अगर बैलेंस करना है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड का ये नीचे वेट लगेगा डब्ल्यू, ये टेंशन फोर्स है टी, टी को हम लोग फाई एंगल से रिजॉल्व कर देंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स इजक्ल टू नेट अपवर्ड फोर्स, तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या हो गया, टी कॉस फाई, डाउनवर्ड फोर्स डब्ल्यू, तो इजक्ल टू यहाँ पर देख सकते हैं आप डब्ल्यू इजक्ल टू टी कॉस फाई, तो डब्ल्यू इजक्ल टू क्या हो गया, लिक्विड का स्पेसिफिक वेट पता है, और अगर इसका वॉल्यूम अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस का वॉल्यूम, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेट, तो क्या हो गया, गामा इंटू वॉल्यूम इजक्ल टू टी इजक्ल टू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर चुके हैं सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, और ये हो गया हमारा कॉस फाई, वॉल्यूम क्या हो गया, पाई डी स्क्वायर एच, यहाँ पे देख सकते हैं इजक्ल टू सिग्मा पाई डी इंटू कॉस फाई, यहाँ से हम लोग पाई पाई कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर और डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा आ गया एच इजक्ल टू फोर सिग्मा कॉस फाई इंटू गामा डी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि फ्यूचर में काम आने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है, देखिए एक स्पेसिफिक लिक्विड के लिए क्या होगा, ये हमारा जो सिग्मा होगा वो फिक्स होगा, ठीक है, फोर तो कांस्टेंट है, कॉस फाई और क्या है कि ये मेनिस्कस एंगल भी फिक्स होगा, ठीक है, सारे लिक्विड एक स्पेसिफिक लिक्विड के लिए सेम होता है, ये स्पेसिफिक वेट गामा क्या होता है कि फिक्स होता है, इसका मतलब क्या है कि ये टॉप या नोमिनेटर कॉस सिग्मा फोर सिग्मा कॉस फाई एंड डिनोमिनेटर में गामा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मींस एच क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, डी क्या, ये लिक्विड कॉलम का डायमीटर, यानी हाइट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डी के इसके डायमीटर के ऊपर, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये कैपिलरिटी राइज कम हो जाएगा, और डी कम हुआ तो ये कैपिलरिटी राइज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए ये मेनिस्कस एंगल पे हम लोग के बेसिस पे हम लोग जान डिसाइड करते हैं कि मेनिस्कस एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा, कैपिलरिटी राइज ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, और क्या होगा उसमें अधेशन फोर्स ज़्यादा होगा कोहेशन फोर्स से उसका, और उस टाइप के लिक्विड को क्या बोलेंगे, वेटिंग लिक्विड, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देखे हैं, देख चुके हैं इस फिगर में, इसमें क्या मेनिस्कस एंगल फाई क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, तब ये जाके ऊपर की ओर चढ़ेगा, ये वेटिंग फ्लूड कहलाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, फाई ऑफ वाटर क्या होता है, जीरो। अब दूसरा आता है कि अगर मेनिस्कस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा, एच क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, मींस अगर ऐसे ये लिक्विड है, यहाँ पे हम वाटर कॉलम अगर इंसर्ट करेंगे तो ये वाटर ऊपर की ओर बढ़ने की वजह से क्या नहीं बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये अगर वाटर कॉलम है, ये हमारा वाटर लेवल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर लेवल ये डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे ये मेनिस्कस एंगल फॉर्म करेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा वाटर लेवल, तो इस टाइप में क्या होता है, कोहेशन फोर्स जो होता है ग्रेटर देन अधेशन होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, नॉन वेटिंग फ्लूइड होता है, मीन्स ये चिपकेंगे नहीं, किस में नहीं चिपकेंगे, वाटर कॉलम पे, एग्जांपल फाई ऑफ एच जी इंस मीन्स मरकरी, मरकरी का कितना होता है, 130 डिग्री होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिफरेंस इन
प्रेशर अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस, मीन्स कर्व सरफेस में कितना डिफरेंस होगा प्रेशर का, ठीक है, क्या होता है। तो हम लोग का तीन केस आता है इसमें। इसको पहला केस होता है ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ड्रॉप ऑफ लिक्विड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ड्रॉप ऑफ लिक्विड है कुछ इस टाइप से, इसमें एक फोर्स इधर से लगेगा, ठीक है। मीन्स इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में क्या फोर्स डिफरेंस होंगे प्रेशर का, ठीक है। तो हम लोग देखिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया है मीन्स ये देखिए, ये यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ, इसमें क्या एक्ट कर रहा है, सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है सिग्मा। इसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी सरकमफेरेंशियल लेंथ से, तो ये फोर्स बन जाएगा। और इधर से एक फोर्स पी टू एक्ट कर रहा है और इधर से फोर्स पी वन एक्ट करता है, मीन्स पी वन माइनस पी टू निकालना। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो करेंगे। तो देखिए राइटवर्ड जाने वाली फोर्सेस कौन से हैं, पी वन इंटू ए पी, ए पी क्या है एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, इन प्लस सिग्मा यानी सरफेस टेंशन इंटू सरकमफेरेंशियल लेंथ इक्वल टू पी टू इंटू ए पी। यहाँ से क्या किए पी टू इंटू ए पी हम लोग लेफ्ट साइड ले आए, देखिए यहाँ पे इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा इंटू एल। यहाँ से क्या ए पी कॉमन ले लिया, ए पी इक्वल टू क्या हो गया प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, अगर इसका डायमीटर डी हुआ तो, ठीक है। तो पी वन माइनस पी टू ये हमारा क्या हो गया पी वन माइनस पी टू इक्वल टू पी वन माइनस पी टू इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको इक्वल टू सिग्मा पाई डी, तो पाई पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से कॉल करें कैंसिल करें सॉल्व किए तो क्या आ गया डेल्टा पी इक्वल टू फोर सिग्मा डी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पूरा लॉन्ग प्रोसेस था पूरा डेरिवेशंस करके निकालने का कि चेंज इन प्रेशर क्या, ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड जेट में कितना आता है, कितना आता है फोर सिग्मा बाई डी, ठीक है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, शॉर्टकट फार्मूला जो सारे टाइप के ये मतलब ये लिक्विड में काम आएगी, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला क्या है, डेल्टा पी इजकल टू सिग्मा इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला एक टर्म एक कॉन्सेप्ट है कि ये फार्मूला यूज करने से पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, करना ये है कि हमको चेंज इन प्रेशर डिफरेंस जब कैलकुलेशन करना है तो, ठीक है, तो उसमें हम लोग को एक डिफरेंशियल एरिया कट करना पड़ेगा इन द कर्व्ड सरफेस। मीन्स देखिए अगर हमारा जैसे क्या था अभी हम लोग इससे पहले देखे हैं ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड, मीन्स ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड ऐसे है, ठीक है। तो इसका हमको एक एरिया कट करना पड़ेगा डिफरेंशियल एरिया, मीन्स ये, ठीक है, ये हम लोग को कट करना पड़ेगा। मीन्स हमारा कैसे हो जाएगा देखा जाए तो कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे इस टाइप से कट करना पड़ेगा और उसमें हम लोग को परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे परपेंडिकुलर रेडियस हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्या होगा। तो देखिए हम लोग रेडियस कैसे जानेंगे, ये सर्कल है मीन्स वाटर ड्रॉपलेट है, इसको हम लोग ऐसे कट कर दिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट पे एक हमारा ये क्या रेडियस होगा आर वन और इसके परपेंडिकुलर ये देखिए जहाँ पे हम लोग कट किए हैं ये आर टू, तो ये वाटर ड्रॉपलेट है तो आर वन इजक्वल टू आर टू सेम चीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इस फॉर्मूले में आर वन इजक्वल टू आर टू इजक्वल टू आर, तो डेल्टा इजक्वल टू क्या हो गया सिग्मा इंटू वन बाय आर प्लस वन बाय आर इजक्वल टू क्या हो गया टू सिग्मा बाय आर, और आर इजक्वल टू क्या होता है डी बाय टू। पुट किए तो हमारा फॉर्मूला में आ गया क्या डेल पी इजक्वल टू फोर सिग्मा बाय डी, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट जो डेराइव करने वाला है सॉप बबल के लिए हम लोग ये शॉर्टकट फार्मूला से ही डेराइव करने वाले हैं, ये मीन्स ये डेल पी इजक्वल टू सिग्मा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ठीक है। तो सॉप बबल में क्या होता है कि दो लेयर होते हैं फ्लूइड के वाटर के, ठीक है, एक तो ये दिख रहा है ऊपर में और इसके बीच में सॉप वाटर होता है, ठीक है। तो दो लेयर होते हैं और बाकी सेम है ये कैसा
वाटर ड्रॉपलेट के जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि हमारा ये दो लेयर है इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डेल पी फॉर्मूला में टू टाइम्स लिख दिया, ठीक है। टू सिग्मा बाय वन अपन आर वन प्लस वन अन आर टू, इसमें भी क्या हो गया हमारा आर वन इजक्ल टू आर टू इजक्ल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व किए तो डेल्टा पी इजक्ल टू आ गया टू सिग्मा इंटू टू बाय आर इजक्ल टू आर इजक्ल टू पुट कर दिया हमने डिवाइड टू, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया डेल्टा पी इजक्ल टू एट सिग्मा बाई डी, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। थर्ड वन, प्रेशर डिफरेंस इन सिलिंड्रिकल जेट, ठीक है। सिलिंड्रिकल जेट में प्रेशर डिफरेंस क्या आता है, तो हम लोगों ने क्या बोला था, मीन्स अगर देखें कि सिलिंड्रिकल जेट जेट होता कैसे है, मतलब प्रेशर डिफरेंस देखा जाता है ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ से ऐसे 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 ये इस टाइप से हम लोग को इस एरिया में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेशन करना रहता है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या बोला था, डिफरेंशियल एरिया कट करना है टू द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफरेंशियल एरिया कट किया और क्या करेंगे, देखिए ये हमारा हो गया सिलेंडर, ठीक है। हम लोग इस एरिया कट किए यहाँ पे, ठीक है, राइट, एरिया कट किए, तो यहाँ से एक इधर का रेडियस निकालेंगे आर, तो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो आर इजक्ल टू क्या हो गया इन्फिनिटी मीन्स आर वन, और इसके परपेंडिकुलर ये यहाँ पे जब हम कट किए यहाँ पे ये क्या हो गया आर टू इजक्ल टू आर, ठीक है। तो हम लोग आर वन के जगह पे क्या पुट कर दिए इन्फिनिटी, जो कि यहाँ दिख रहा है इन्फिनिटी, और आर टू की जगह पे आर, तो वन अपॉन इन्फिनिटी ये क्या हो गया जीरो, एंड वन अपॉन आर वन हो गया वन अपॉन आर, तो यहाँ पे क्या हो गया डेल्टा पी इजक्ल टू टू सिग्मा बाय डी, क्योंकि डी इज आर इजक्ल टू डी बाय टू होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टू सिग्मा बाय डी, किसके केस में, सिलेंडर के केस में, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो ये चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड स्टैटिक, जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एंड इन ऑल द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।